उधर आपको बता दें कि सीएम नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि किरण चौधरी ने कांग्रेस छोड़ना पर वो उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में इस वक्त परिवारवाद चरम पर है। क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने, सुनिए। कांग्रेस के अंदर परिवारवाद तो चरम सीमा पर है ही, परंतु कांग्रेस में जो बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति है, जिनका राजनीति के अंदर कहीं ना कहीं एक स्थान है, ऐसे प्रतिष्ठित लोगों को उनको सम्मान नहीं देना और उनको कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर घुटन महसूस हो रही। ऐसे बहुत सारे पार्टी के कांग्रेस के अंदर बड़े नेता हैं, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो सिर्फ बेटे के लिए लगे हुए हैं, और लोगों ने जो बड़े प्रतिष्ठित लोग हैं जिन्होंने पार्टी के लिए कहीं ना कहीं अपना पसीना बहाया है, ऐसे लोगों को दरकिनार करके भूपेंद्र हुड्डा अपने बेटे को आगे करने में लगे हुए हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो कांग्रेस से जाने वाले हैं। चौधरी बंसीलाल का एक बड़ा स्थान हरियाणा के अंदर रहा है और उसने विकास के मामले में हरियाणा को आगे बढ़ाने का ईमानदारी से काम किया है। ऐसे परिवार को भी कांग्रेस में दरकिनार करना, मैंने कहा है कि दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस ने, और यहाँ तो सिर्फ एक परिवार की चलती है, जैसे दिल्ली में परिवार की चलती है वैसे हरियाणा में परिवार की चलती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बेटे को सेट करने में लगे हुए हैं और बड़े नेताओं की बलि देने में लगे।